The position vectors of the angular points of a tetrahedron are a 3i cap minus 2j cap plus k cap, b is a 3i cap plus j cap plus 5k cap, and c is a 4i cap plus 3k cap, and d is a i cap. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या करना है, फेस ए डी सी और बेस फेस ए बी सी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों फेस के बीच में जो एंगल होगा वही इन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके बीच में भी होगा. तो अगर मैं सबसे पहले ए बी वेक्टर कैलकुलेट करूँ तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, तो आ जाएगा हमारे पास में 3i कैप माइनस 3i कैप. फिर आएगा जे कैप माइनस 2j कैप इज 3 टाइम्स ऑफ जे कैप. फिर आएगा 5k कैप माइनस k कैप इज 4 टाइम्स ऑफ k कैप. ऐसे अगर हम ए सी वेक्टर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3i कैप इज i कैप. फिर 3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2j कैप इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप. फिर हो जाएगा 3k कैप माइनस 2k कैप इज माइनस k कैप इज 2k कैप. फिर अब ए बी भी कैलकुलेट कर लिया, ए सी भी कैलकुलेट कर लिया, ए डी वैक्टर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो ए डी वैक्टर क्या जाएगा, ऐसे हमारे पास में रहेगा आई कैप माइनस 3i कैप इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ i कैप. ओके, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ i कैप. फिर इधर तो i है ओनली, तो क्या जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 j कैप इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप एंड देन माइनस ऑफ k कैप, ये हो गया. ठीक है, अब नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ए डी वेक्टर क्या होगा हमारे पास में, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ए डी. ओके, देखते हैं क्या होगा हमारे पास में. तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ए डी ये हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू व्हाट, मतलब ए डी नहीं, ए सी डी ऐसा बोलना चाहिए, ए डी सी जो प्लेन है हमारा उसके. ठीक है, तो ये जाएगा हमारे पास में ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर. ठीक है, तो ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर, या फिर ए डी वेक्टर क्रॉस ए सी भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात होगी. तो ए डी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट मेथड से देखते हैं वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में. तो यहाँ से आएगा आई, यहाँ से आएगा जे, यहाँ से आएगा के. अब ए डी वेक्टर क्या है, माइनस टू टू माइनस वन. ए सी वेक्टर क्या है यहाँ से हमारे पास में, वन टू टू. अब वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आई के लिए देखेंगे तो टू इंटू टू इज फोर, फोर माइनस माइनस टू इज सिक्स, तो आएगा सिक्स टाइम्स ऑफ आई कैप. फिर वैल्यू आएगी जे के लिए, माइनस टू इंटू टू इज माइनस फोर एंड वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, तो आएगा माइनस फोर प्लस वन इज माइनस थ्री, तो आएगा प्लस में थ्री टाइम्स ऑफ जे कैप. और के लिए करेंगे तो के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू टू इज माइनस फोर माइनस वन इंटू टू इज माइनस सिक्स, तो आएगा माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ के कैप. तो ये आ गया हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ए डी सी. अब नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ए बी सी क्या जाएगा, वो जाएगा हमारे पास में ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. तो नॉर्मल टू द प्लेन ए बी सी देखते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ए बी सी, तो वैल्यू हो जाएगी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. अगेन डिटर्मिनेंट मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर लिख लेते हैं दोनों. तो ऊपर सबसे पहले आएगा आई कैप, जे कैप एंड के कैप. अब ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास में, वो है थ्री जे कैप फोर के कैप, तो आएगा जीरो थ्री फोर. और ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास में, वन टू टू. सिंप्लीफाई करेंगे तो आई के लिए क्या आएगा, थ्री इंटू टू इज सिक्स, सिक्स माइनस एट इज माइनस टू आई कैप. ओके, जे के लिए करेंगे तो क्या होगा, माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई करके करेंगे स्टार्ट, तो आएगा जीरो इंटू टू माइनस फोर, तो आएगा प्लस में फोर जे कैप. ओके, फिर क्या होगा हमारे पास में लास्ट में, के के लिए जीरो इंटू टू माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री के कैप. तो ये हमारे पास में दोनों वैक्टर हो गए. अब हमें पता है दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल जो होगा वही दोनों नॉर्मल वैक्टर के बीच में भी एंगल होगा. तो दोनों नॉर्मल वैक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच में, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो आएगा एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन मोड ऑफ एन वन वैक्टर इंटू मोड ऑफ एन टू वैक्टर. तो अब एन वन वैक्टर का मोड क्या है अगर हम देखेंगे, तो वो है सिक्स आई कैप थ्री जे कैप और सिक्स के कैप का, तो आ जाएगा सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 81. फिर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो ये देगा स्क्वायर रूट ऑफ 29. नाउ अब n1 डॉट n2 क्या होगा, तो 6 इनटू माइनस 2 व्हिच इज माइनस ऑफ 12, फिर 3 इनटू 4 व्हिच इज प्लस में 12,
रहेगा माइनस 3 इंटू माइनस 6 विच इज प्लस में 18। तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, रूट 81 क्या होता है 9, तो 9 से 18 को डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या 2 बाय रूट 29। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या गई हमारे पास में, कॉस थीटा आ गया 2 बाय रूट 29। तो अगर कॉस थीटा 2 बाय रूट 29 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा ऐसे हमारे पास में, साइन थीटा हो जाएगा रूट 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 5 बाय रूट 29। और टेन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास में व्हाट, टेन थीटा हो जाएगा 5 बाय 2। तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, टेन इनवर्स 5 बाय 2। अगर टेन इनवर्स 5 बाय 2, टेन इनवर्स 5 बाय 2, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 बाय 2। ओके, अब हमें एक चीज पता होती है कि टेन इनवर्स 5 बाय 2 और कॉट इनवर्स 2 बाय 5 की वैल्यू सेम होती है क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे करेक्ट आंसर देंगे, दोनों ही वेज में हम अपना आंसर लिख सकते हैं।